एक में पता नहीं चला, दूसरा दो। इस पेड़ में छोटे छोटे डब्बे लगाए गए हैं, वो पता है किसके लिए है? गैलरी के लिए। सर हम लोग का ये घर से आटा ले लीजिए, एक गुद्दा है। सो हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे आज के इस ब्लॉग में। और गोलू सुबह सुबह मेरे घर पे आ गया है। तो क्यों आया है गोलू? क्योंकि रात को शाम को मेरे लिए वो आइसक्रीम लेकर के आया था। तो शाम हो गया था तो मैं नहीं खा पाई थी, तो मैं बोली थी कि मैं दोपहर में खा लूँगी। तो अभी पूछने आया है, खाएंगे ना? हाँ खाएंगे गोलू। और आज है रामनवमी। तो रामनवमी क्यों मनाया जाता है आप लोगों को तो पता ही होगा, बट फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। रामनवमी जो है वो राम भगवान का बर्थडे के रूप में मनाया जाता है, आपको पता था? हाँ। तो गोलू को भी पता है कि रामनवमी के दिन राम भगवान का जन्मदिन मनाया जाता है। तो इधर हमारे साइड में जुलूस वगैरह सब भी निकाला जाता है, तो पता नहीं टाइमिंग क्या होने वाली है, तो हम लोग वेट कर लेंगे। जुलूस अगर दिखती है तो वो भी वीडियो में ऐड कर दिया जाएगा। फिलहाल मैं जा रही हूँ कुछ खरीदने। क्या खरीदने? आटा। ख़त्म हो गया है आटा और मम्मी को रोटी खानी है। तो फटाफट से पैसे लेते हैं और चलते हैं विनोद दुकान और खरीदते हैं आटा। आपको वीडियो में बने रहनी है, सारी डिटेल आज की आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। अच्छा सुनाइए जी। इनके तो पैसे तो बहुत खर्च करना है, सब चीज़ हम ही से लेवाते हैं। अच्छा हम लोग ये घर से आटा ले लीजिए, एक गुद्दा है। आटा आपके घर से नहीं चाहिए मुझे गोलू, मैं खरीद लूंगी। मतलब कुछ भी बोलता है बच्चा, सब चीज दे देता है। चलो फटाफट से खरीद लेते हैं। चलिए Cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. मेरे पास ये कुछ रुपए, ये पकड़ती हूँ चलती हूँ दुकान। दुकान आ गए, देख ले रहे। लेने आए थे आटा और क्या क्या लेके जा रहे? ये केक मिक्सचर, ये गोयल मिक्सचर, उधर नहीं मिलता है। और ये सेंटर फ्रूट, मतलब सब चीज नहीं उधर, मतलब गोयल मिक्सचर नहीं मिलता, दूसरा मिक्सचर मिलता है। आज का ब्लॉग में हम लोग पता है ना आप लोग को, हम लोग क्या बताए थे रामनवमी के बारे में, है ना? हाँ। पूरा चेहरा फूला फूला लग रहा है, सूख के ज़्यादा मोटे। तो अभी लगभग 5 बज रहा है, अजान भी होने लगा है, 4:45 आसपास हो रहे हैं। और हम लोग दोनों बैठ करके वेट कर रहे हैं कि रामनवमी का जुलूस निकलेगा तो देखेंगे, मजा आएगा। उधर से बिकी आ रहा है कुछ ले करके। क्या ला रहा है दिखा? माय गॉड, सोया स्टिक लेकर के आया है। नहीं चाहिए, खाना खाए अभी। देखो दे रहा, थैंक यू विकी, सोया स्टिक्स दिया है विकी ने। देखो मस्त ना, कैसा लगता है? 5 रुपीस। नमक ठीक है लगता है? नमक नमक नींबू नींबू चटपटा मसाला किधर? अभी इधर आएगा जुलूस, इसी के लिए वेट कर रहे हैं। अभी नाचेंगे भी। मौसम जो है थोड़ा खराब होने लगा है। और यहाँ पे ना एक पुराना पीपल का पेड़ है, वो दिखाती हूँ बैक कैमरा। ये रहा हमारा काफी पुराना पीपल का पेड़, बहुत बड़ा। इसमें अभी नए नए पत्ते आए हैं। और इस पेड़ के जस्ट पीछे है चर्च। और मौसम खराब होता हुआ नजर आ रहा है, पता नहीं कैसे जुलूस निकालेगा ये लोग। अभी देखते हैं निकालता भी है या नहीं, हर साल तो निकलता है ना। हाँ। वेट कर रहे। इस पेड़ में छोटे छोटे डब्बे लगाए गए हैं, वो पता है किसके लिए है? गिलहरी के लिए। गिलहरी नहीं बोलते, गिलहरियों के लिए। इसकी वीडियो बनाई थी हमने, गिलहरियों को खाना देने के लिए छोटे छोटे यहाँ पे बॉटल काट करके टांगा गया है। ये फाड़ा एक खा के बताओ कैसा लग रहा है, खा के टेस्ट करके बताओ, स्वाद बताना कैसा है, बताओ कैसा लगा? नींबू और चटपटा। नींबू और चटपटा, थोड़ा मेरे को भी दिखाओ भाई नींबू और चटपटा कैसे लगता है, है ना? एक में पता नहीं चला, दूसरा दो। ठीक ही लगता है, मतलब जो टेढ़े मेढ़े है ना उससे चबाने में थोड़ा सा हार्ड है, और उससे ना हल्का थोड़ा स्वाद है, पर अच्छा है। हल्दीराम का सोया स्टिक्स आ गया है। जैक 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 जैक
हाय जैक, हाय हाय हाय, क्यूट बच्चा, जैक बच्चा, क्या है बच्चुआ? हाय दो 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 दो, ओ दो 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 दो, कुछ एक्सप्रेशन नहीं दे रहा, एक्सप्रेशन दो। नहीं, ये पहचान ही नहीं रहा। अब उधर से जुलूस आ रहा है, मंदिर ले जाया जा रहा है सारे झंडे को, उसके बाद वापस आएंगे, क्योंकि यहाँ पे ना उनके लिए कुछ खाने पीने का प्रबंध किया है इन लोगों ने, पीने वीने का। हाँ, और पब्लिक आ गए ढेर सारे लोग देखने के लिए ये जुलूस। और इधर बड़ा सा बॉक्स लेकर के आ रहे हैं ढेर सारे लोग। तो ये हमारे एरिया का रामनवमी का प्रोसेशन जुलूस, सारे लोग अपना शस्त्र लेकर के भगवा रंग में जुलूस के लिए निकले हैं। काफी मनमोहक दृश्य लग रहा है। मंदिर गया कुछ झंडा, उसके बाद इधर आएंगे ये लोग। नाइट वाला पूरा डीजे लेके, गजब। ये दूसरे एरिया वाला है।
अभी जुलूस देख करके आया, बड़ा मजा आ गया ना, मतलब हर साल कुछ नया नया देखने के लिए मिलता है। और ये खाने पीने की चीज़ें मिली हैं, कुछ हम लेकर के आ गए थे तो बांट दिया है। तो कैसा लगा है हमारे यहाँ का जुलूस रामनवमी का, वो बता दीजिएगा कमेंट करके। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और चैनल नया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन दबा दीजिए। हाँ, और उसके तो नेक्स्ट ईयर फिर से दिखाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।